अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल ख्वातीन हज़रात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। फिलहाल हमारी रमज़ान की सीरीज चल रही है माशाल्लाह, और अभी आज हम लोग फिर बम्बे मोहल्ले पे हैं। और बम्बे मोहल्ले की जो रौनक है ना, वो वाकई में जब शहर में आते हैं तब अपने को पता चलता है कि रमज़ान की क्या रौनक है। बस आप सबसे ये मैं गुजारिश करता हूँ कि बहुत ही पाक महीना चल रहा है, आप हमें दुआ में याद रखें। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में दें, और जब इबादत की बात आती है तो साथ साथ में रमज़ान में बहुत से जायके भी नए नए लोग लेके आते हैं। फिलहाल हम लोग बम्बे मोहल्ले पे हैं और 70 साल पुरानी शॉप पे मैं आपको आज लेके आया हूँ। आज हम लोग आए खलील भाई चिकन कॉर्नर पे, जहाँ पे आपको फ्राई आइटम एक से एक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फ्राई आइटम के साथ साथ में इनकी मटन चाप भी बहुत फेमस है। यहाँ पे चिकन दाना मिल जाएगा, चिकन कुल्फी मिल जाएगी, चिकन नगट्स है, चिकन सीख कबाब है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए आप लोग बात करते हैं, यहाँ पे कौन है ओनर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, सबसे पहले रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो साहब आपको। आप अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या नाम है आपका साहब? ये मुझे एक मुझे हटाओगे आप? देखी थी आपने? माशाल्लाह भाई, वो खा रहे थे आप? हाँ आवाज खा रहे थे ना। हाँ क्या कहते हैं भाई साहब? इधर हाँ मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, मैं अभी 5-6 वीडियो बनाने। आज तो क्या ये मेरा भाई जाएगा वहाँ पे कहीं बाहर, आज इनका बना के फिर मैं आऊँगा। कहाँ अपनी शॉप कहाँ है? हाँ यूँ आज यूँ घुमा देंगे यार, और क्या घुमा दें, ये कल परसों डालेंगे। हाँ साहब अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे साहब कह रहे थे? रमज़ान पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो साहब। क्या नाम है साहब आपका? मेरा अमन नाम है और मेरे वालिद साहब का नाम अताउर रहमान। अताउर रहमान साहब, तो मुझे कुछ शॉप के बारे में बताएं साहब। मैं तो पहली बार आया, लेकिन मैंने सुना है काफ़ी पुरानी शॉप है आपके यहाँ पे। मेरे दादाजी की वक्त से स्टार्ट है, उन्होंने जी किया था, और मेरे वालिद साहब ने पूरा इसी लाइफ अपनी इसी जॉब में की है। इसी मतलब उनको 70 साल तो आराम से हो गए होंगे। वालिद साहब के दादाजी के टाइम से ये है, और मेरे दादाजी ने भी अपनी पूरी लाइफ यहीं पे इसी में तो इसका लोग मतलब खानदानी हमारा लोगों का काम है। तो इसका मतलब टेस्ट तो बहुत जबरदस्त वो होने वाला। जैसे हम लोग यहाँ पहली बार आए तो ये आपके ये मैं दिखा देता हूँ कि देखिए ये पूरा इनका मेन्यू यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए आपको पूरा फिश भी अपने पास में फिश मिल जाएगी, सुरमा फिश मिल जाएगी, जीरा फिश मिल जाएगी, चिकन तरी मिल जाएगी, चाप फ्राई जो बहुत फेमस है इनके यहाँ पे वो हम लोग ट्राई करेंगे, गुर्दा फ्राई। अच्छा मटन टिक्का भी फेमस है, सब अपन ये बनाएंगे लाइव। क्या बात है माशाल्लाह। तो ये सब चीज़ें मैं जो मैंने अभी यहाँ जो रमज़ान में जो भी कवर किया है सारे यहाँ जो हिडन जेम्स है ना जोधपुर के, मैंने वो कवर किए। मेरा यहाँ पे कभी आना हुआ नहीं, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने आपने वो अरशद भाई का हमने बनाया था, टीबू सैंडविच वालों को बनाया था, और आज हम लोग जो आए वो भी काफ़ी अल्टीमेट जगह हैं। 70 साल बहुत ज़्यादा अहमियत है इस मतलब ये जो टाइम पीरियड होता है। तो खलील साहब के यहाँ पर हम लोग आए, अभी फ़िलहाल उनके जो बेटे हैं वो हमारे साथ हैं, उनके जो पोते हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो भाई साहब सबसे पहले आप हमारे लिए क्या लगाएंगे? चाप फ्राई लें हम लोग, चाप फ्राई ले लेंगे, टिकिया ले लेंगे, और एक आपका वो चिकन कुल्फी हम लोग ट्राई करेंगे। उसके अलावा आपके यहाँ पे फिश मिल जाएगी, सी कबाब मिल जाएंगे, पूरा मेन्यू आपको बता दिया, और प्राइसिंग काफ़ी रीजनेबल है। ऑमलेट भी मिल जाएगा? वैसे अपने टाइमिंग क्या रहते हैं? टाइमिंग अपना रहता है गर्मियों में तो 5:30 से लेके 1-1.5 बजे तक का, जी जी, और जो सर्दियों में है वो 6 बजे से लेके 1 बजे 12 बजे तक। और ये रमजान के महीने में? रमजान के महीने में तो सहरी तक पूरी रात रहता है। तो माशाल्लाह रमजान की रौनक ही ऐसी होती है कि आदमी कोई सोते ही नहीं है, बस चलता रहता है, ऐसे ही गुफ्तगू चलती रहती है, बातें चलती रहती है। चलिए साहब सबसे पहले हम लोग आपकी चाप फ्राई ट्राई करेंगे। तो साहब सबसे पहले अपन क्या लगा रहे हैं? चाप फ्राई, चाप फ्राई लगा रहा हूँ। ये देखिए ऑयल चला गया इसमें, प्याज चले गए, मिर्ची चलेगी, एकदम फ्रेशली कट है ये। बाद में क्या डाला भाई साहब ने? अदरक कटिंग हुई हुई है। ओहो माशाल्लाह एक नंबर। ये देखिए आखिर मिर्ची चली गई, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो रौनक लगी हुई ना माशाल्लाह, मैं 2-3 जगह कवर की, बहुत ही सिंपल मसालों में बहुत ही ज़बरदस्त जायका ये लोग यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। देखिए ये देखिए चाप, क्या बात है माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये हाफ फुल क्या क्या हिसाब से? एक प्लेट आती है फुल हाफ का वो नहीं, इसमें एक प्लेट में कितनी चाप आ गई भाई साहब? दो चाप आती है। देखिए दही चली गई, क्या बात है माशाल्लाह। 70 साल पुरानी शॉप है यार ये देखिए। ये पूरा मटन का तवा फ्राई आइटम, पूरा मटन का। अपने पास वैसे ग्रेवी इतनी नहीं ना, कम ही सिर्फ ये 2-3 आइटम ही बनाते हैं, तवे सब तवे बनाते हैं। देखो पूरा मक्खन में गच कर दे यार, वो भी अमूल बटर में, क्या बात है। इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे भाई साहब कितने की पड़ती है? 250 रुपये की एक प्लेट पड़ती है। माशाल्लाह क्या बात है ज़बरदस्त। ये इनकी ग्रेवी चलेगी इसमें,
आपको यहाँ कितने साल हो गए भाई साहब, आप कब से देख रहे हैं? बचपन से स्टार्ट है, 10 साल का था जब से बाबा जी के साथ। हाँ, और ये अमन भाई कब आ गए यहाँ पे? मैं खूब बच्चा था तब से यहाँ पे, तब से यहाँ साथ पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है और साहब का हेल्प भी करता हूँ यहाँ पे आके। क्या बात है, माशाल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत अच्छा, मतलब अल्लाह की बरकत है। नहीं, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और आप ऐसे ही अपना ये जायका पूरे जोधपुर में आप लोग सर्व करते रहें, माशाल्लाह। ये देखिए हाँ साहब, ये देखिए क्या बात है, कलर चेक करो, मसाले गर्म मसाले और सब भाई साहब यहाँ बनाते रहिए। मटन की स्पेशल, ये मटन टिक्किया हमारी स्पेशल है, वो भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। स्नैक्स आइटम में देखो तो मटन कबाब है, चिकन कबाब है, चिकन नगेट्स है, चिकन नगेट्स भी अपने पास है। सबसे मोस्ट फेमस ये टिक्किया की भुजिया भी बहुत फेमस है, टिक्की की भुजी यार वो ट्राई करेंगे ना हम लोग। अरे यार क्या बात है, माशाल्लाह, तो वो भी हम लोग ट्राई करेंगे, मटन टिक्किया की भुजी ले लेंगे और फिर आपकी ये एक ही ले लेंगे, माशाल्लाह क्या बात है। क्वालिटी का ऐसा है कि 70 सालों में क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, माशाल्लाह। और बकरे का बोलते हैं तो बकरे का मिलता है, और जोधपुर में या यूँ कह दो कि बम्बा मोहल्ला पे पहली सबसे पुरानी दुकान शॉप अपनी, माशाल्लाह। जोधपुर में शायद मेरे हिसाब से 70 साल है तो मटन की दुकान क्या होगी, पता नहीं, अगर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उमर बाजू, उमर साहब को भी काफी टाइम हो गया, इसके साथ चपाती भी है, बिल्कुल बिल्कुल चपाती है, इसके साथ में तवा रोटी, जी तवा रोटी ना। ये देखिए कस्टमर का चिकन, चिकन दाने क्या बहुत सब, यहाँ पे चिकन दाना 100 रुपए का 250 ग्राम, 250 ग्राम है, 400 रुपए किलो ना, 400 रुपए। आपको ट्राई करनी है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा खलील भाई चिकन कॉर्नर, जो कि बम्बा में चौराहे पे लोकेटेड है। क्या आप किसी को भी आके पूछोगे तो आपको बता देंगे कहाँ पे। देखिए पूरा बुनावा एकदम ग्रेवी तैयार है हमारी, दानेदार ग्रेवी हो गई, देखो चेक करो क्या हमारे, ये पूरी प्लेट 250 रुपये की है। लगी हुई माशाल्लाह, और शदाब टॉक्स पे हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरी रमजान की सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की थी और आप लोगों ने बहुत पसंद की अल्लाह के एहसान से माशाल्लाह, और काफ़ी ताबड़तोड़ व्यूज आ रहे हैं। और साथ साथ में हमने अभी इंस्टाग्राम पे भी हमारा, मैं पहले इतना सीरियसली इंस्टाग्राम पे इतना पोस्ट नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने रोज़ डालने लगा हूँ मुझे काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल रही है और आप लोग रील्स के भी ताबड़तोड़ व्यूज लेके आ रहे हो। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इतने ज़बरदस्त जायके जो कि जोधपुर के, मैं आप यकीन मानो सारे हिडन जैम आपके लिए लेके आओ रमजान के महीने में। तो सारे मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आपको खलील चिकन पे ज़रूर आना है और उनका चाव फ्राइड। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो खाने का जो मतलब जो कलर होता है ना, उससे जो खाने के जो लोग हैं तो उनको पता चलता था कितना ज़बरदस्त उन्होंने बनाया होगा। तो यहाँ पर आपको ज़रूर विजिट करना है खलील चिकन पे। हम लोग इनका मटन चाव फ्राइड ट्राई कर रहे हैं जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर, देखिए गर्मा गर्म है यार, ये देखो, चलिए इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही बेसिक से मसाले उन्होंने यूज़ किए, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई मसाले यूज़ किए, वाकई माशाल्लाह ज़बरदस्त। देसी स्टाइल का अगर आपको मटन चाप खाना है तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, एकदम सिंपल से मसाले और ज़बरदस्त जायका माशाल्लाह। टाइमिंग पूरी जान की जो ओनर थे उन्होंने बता दी। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद पहले मेरा मन था, मैंने कहा चिकन हम लोग वो खुद ही लेंगे, लेकिन हम लोग इनकी जो टिक्किया की जो भुजी वो ट्राई करें। क्या था सर, ट्राई करें आज? देखिए मटन पूरा गला हुआ है, सबसे बड़ी बात पूरा बटर में गच किया भाई पूरा, ये क्वालिटी चेक करो यार, 250 रुपये में। यार बैठ के खाने का जो मज़ा होता है वो कहीं पे भी नहीं माशाल्लाह, सबके साथ बैठना, लोगों से मिलना, ऐसी ऐसी जगहों से लोग आते हैं मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ गया माशाल्लाह। और साथ साथ इतना ज़बरदस्त खाना आपको मिल गया तो आपको और क्या चाहिए।
मटन टिक्की है, ये मटन टिक्की दिखाओ भाई, देखो पास पास यहाँ पे फ्राई करके रखी भाई साहब टिक्कियाँ। एक प्लेट में कितने पीस आएंगे भाई साहब? ये 12 पीस आएंगे। 12 पीस आएंगे, ये देखिए टिक्कियाँ भुजी, ये मेरी फेवरेट भी यार, प्याज डाल के है घर पे भी हम लोग ऐसे ही खाते हैं। आज पहली बार मैं कहीं बाहर खा रहा हूँ किसी आउटलेट पे, माशाल्लाह क्या बात है, जबरदस्त। इसमें प्याज ऐड किया जाए? हाँ प्याज, आप कैसे बनाते हो बनाओ ना, आप जैसे बनाते हो, मैं तो प्याज खा रहा हूँ, आप जैसे बनाते हो वैसे बना। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया भाई साहब, जब क्या क्या आइटम थे आपको पता याद है कुछ? सबसे पहले हाँ जब पहले स्टार्ट किया तब तो क्या स्टार्ट किया था? जब सबसे पहले तो चाप फ्राई थी और कलेजी थी, मतलब टिक्किया चाप फ्राई अपने पास हमेशा शुरू से ही चाप फ्राई थी। क्या बात है। उसके बाद हमने आइटम ऐड करते रहे पूरा भाई साहब, मुझे भेजा फिर मेन्यू बढ़ता रहा, फिर मछली फिर ऐसे से सब चाप फ्राई अपने 76 साल से पूरा बटर में गर्म आएगा। बहुत बेसिक से बहुत कम मसाले में बहुत जबरदस्त है भाई। ये देखिए हमारी टिक्किया भुजी रेडी है, एकदम भुनी हुई यार माशाल्लाह। हमारे पास जब वो प्याज डालते हैं, लेकिन यहाँ भाई साहब पूरी ग्रेवी वाली बनाई है, ये मैं पहली बार ट्राई करूँगा यहाँ पे। क्या बात है, ये सब चीज़ आपको ट्राई करनी है तो आपको हल्दी चिकन पाना पड़ेगा जो कि मेन बम्बा मोहल्ले पर लोकेटेड है। हाँ भाई पूरा यार बम्बे मॉल में माशाल्लाह रमजान का पूरा मॉल सेट हुआ है जबरदस्त। अब हम लोगों ने यहाँ पे खलील चिकन पे हम लोगों ने सबसे पहले इनकी जो सिग्नेचर जो डिश है हम लोगों ने चाप मटन चाप फ्राई ट्राई की। अब इनकी देखिए ये भुनी भी टिक्किया भुजी हम लोग ट्राई करेंगे, देखिए माशाल्लाह। कैमरा मैन को कहेंगे थोड़ा पास में लेके आए, और यहाँ मैं थोड़ा बहुत नींबू डालूंगा, नींबू से जो जायका आता है ना थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए पूरा मैंने नींबू इसमें थोड़ा बहुत निचोड़ लिया है, ट्राई करते हैं एकदम। देखो भुनी हुई ग्रेवी साथ में टिकिया, एक नंबर। जवाब वाकई में काफ़ी सारे बिरयानी सारे मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पे अगर ज़बरदस्त चाप फ्राई एकदम देसी स्टाइल में और कम प्राइस में खाने हैं, और साथ साथ में ये टिक्किया भुजी ट्राई करनी, और भी बहुत सी आइटम मिलते हैं, आपको खली चिकन पाना पड़ेगा। बम्मा मोहल्ले पर आके आप किसी भी पूछेंगे खली चिकन का है आप यहाँ पर लेके आएंगे, पूछेंगे भाई साहब से गूगल मैप्स पर है क्या, नहीं होंगे तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आप इनके नंबर्स में डाल देंगे ताकि आप इनसे फ़ोन से रब्ता कायम करके यहाँ पर आराम से आप पहुँच सकते हैं। ये भी एक नंबर है यार, ये कितने का भाई साहब? ये 100 रुपये का है भाई साहब, 100 रुपये की। देखो ये 100 रुपये में क्वालिटी चेक करो, हाँ भाई। आज हम लोग जैसे आपको पता है आज हम लोग यहाँ खलील चिकन पे आए थे माशाल्लाह, हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ें ट्राई की, एक तो मैं इनका जो चाप फ्राई है वो जो कि इनकी सिग्नेचर डिश है 70 साल से वही जायका है, आज भी ज़बरदस्त जायका था। फिर हम लोगों ने इनकी टिक्किया भुजी ट्राई की, टिक्किया भुजिया ट्राई की। मैं जब आया था तो मैं सोचा था कि शायद वो प्याज में फ्राई में फ्राई पैन पर ऐसे कर देंगे, लेकिन इन्होंने ग्रेवी में डाल के बनाया माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने मुझे जल्दी से बुलाया और मैं अल्लाह गवाह है मेरे को बहुत मज़ा आया। अल्लाह तआला आपको और तरक्की दे, और आप ऐसे ही काफ़ी 5-6 आउटलेट हैं जोधपुर में, जोधपुर का चलिए ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी तो आपको यहाँ आना चाहिए। पूरी लोकेशन मैंने आपको बता दी है, रमज़ान की रौनक यहाँ पे लगी हुई माशाल्लाह। बम्बा मॉल पर हम लोग 3-4 वीडियो और बनाएंगे इंशाल्लाह आने वाले सीरीज़ में, बाकी मैं यहाँ पूरा मॉल पूरा जो मॉल है एकदम सेट है। चलिए इसी के साथ हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे, और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।